दोस्तों, 26 जनवरी 2018 को मैंने दिल्ली से यूरोप ट्रिप प्लान किया। 26 जनवरी को मेरी फ़्लाइट थी दिल्ली अपने T3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मनामा बहरीन और मनामा बहरीन से फ्रैंकफर्ट। इस ट्रिप के अंदर मैंने जर्मनी, एम्स्टर्डम, ब्रसल जो कि बेल्जियम में है, फ्रांस पेरिस और जर्मनी के ही बर्लिन शहर में गया। वहाँ घूमा, वहाँ की चीज़ों को एक्सप्लोर किया और वहाँ के कल्चर को, वहाँ के तौर तरीके, हिस्टोरिकल प्लेसेस सब को घूमा और वहाँ की एक यूरोपियन फील को समझा। तो दोस्तों, इस सारी सीरीज़ में मैं अपने सभी वीडियोस में आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और साथ ही आप लोगों को ये बताऊंगा कि अगर आप भी यूरोप घूमना चाहते हैं तो आप कैसे घूम सकते हैं। यूरोप के नाम से शायद हम लोगों को डर लग जाता है कि हम इंडिया में किसी छोटी मोटी जगह पर अब घूमने जाएं तो शायद मिनिमम हमारा 50 से 60 हज़ार रुपये, अगर हम एक अच्छा होटल बुक करते हैं, खाना पीना सब, घूमना, गाड़ी, एयर फेयर सब मिला के हम इंडिया के किसी अदर स्टेट में जाने की कोशिश करते हैं तो हम इतना बजट लेके चलते हैं। तो मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो हम एक यूरोप या US, UK इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि शायद ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम सही तरीके से प्लान करें और अगर हम सही तरीके से अपनी चीज़ों को मैनेज करके चले, एक बजट ट्रिप बना के चले, तो हम कम खर्चे में भी यूरोप घूम सकते हैं। इस पूरी ट्रिप के अंदर मैं आपसे शेयर करूंगा कि कैसे एक बजट ट्रिप हम यूरोप की प्लान कर सकते हैं और हम यूरोप के जो मेन कंट्रीज हैं, जैसे जर्मनी हो गया, हॉलैंड हॉलैंड हो गया, जैसे नीदरलैंड भी बोलते हैं, बेल्जियम हो गया, फ्रांस हो गया, जो कि एक बहुत महंगे देशों में गिने जाते हैं। वहाँ का होटल्स, रहना सहना, खाना पीना जो कि महंगा है, ट्रैवलिंग जो कि महंगी है, तो उन सब में भी आप एक बजट ट्रिप के अंदर बिना किसी की मदद के, बिना किसी लिफ्ट के, हिच हाइकिंग के या फिर किसी भी तरह की किसी एक्सटर्नल हेल्प के बिना भी आप एक अच्छी ट्रिप प्लान कर सकते हैं। तो आप जो लोग मेरी तरह बाहर घूमना चाहते हैं, घूमने के शौकीन है, घुमक्कड़ किस्म के जो लोग हैं, जो कि निकल कर चीज़ें बाहर एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ये वीडियोस की जो सीरीज़ आएगी ये उन सब के लिए बहुत हेल्पफुल है। और आपको कैसे यूरोप का वीज़ा मिलेगा, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो चीज़ें भी मैं आगे आने वाली वीडियोस में ज़रूर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि वीज़ा कैसे अप्लाई करें, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती है वीज़ा अप्लाई करने से पहले। और ये चीज़ें आप सब खुद भी कर सकते हैं, आपको किसी भी एजेंट के पास जाके फंसने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुद से ही सारी चीज़ें तैयारी कर ले तो आप इजीली यूरोप का वीज़ा आराम से आपको मिल सकता है। वीज़ा वहाँ का शेंगन वीज़ा लगता है जो कि अराउंड वहाँ की 24-25 कंट्रीज़ में वैलिड है। मान लीजिए अपने एक शेंगन वीज़ा मिल गया तो यूरोपियन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में आप फ्रीली आ जा सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। तो दोस्तों, ये जो मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो है इसमें आप देख सकते हैं जो पिक्स मैं जहाँ जहाँ घूमा हूँ, जिन जिन जगह पर गया हूँ, वहाँ की मैंने वीडियोस, फोटोज़ अपलोड की हुई हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप सब लोगों को ये फोटोज़ जगह काफ़ी पसंद आएगी और मेरी ये वीडियो सीरीज़ देखने के बाद आप सब भी जो जो घूमने के शौकीन हैं, यूरोप को भी एक एज अ अपनी पॉकेट से बाहर नहीं समझेंगे क्योंकि यूरोप आप घूम सकते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चीला नहीं है अगर आप सब चीज़ें ढंग से प्लान करें। फिर भी आप लोगों के मन में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, कोई दुविधा हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स पे आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़रूर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आने वाले वीडियोस में आप वो सारी डिटेल्स देख सकते हैं, जहाँ जहाँ मैं गया, कैसे मैंने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को यूज़ किया, कैसे वहाँ का रहना सहना यूज़ किया, किस तरह की, कैसे मैं वहाँ के तौर तरीके में अपने आप को ढाल पाया और कैसे मैंने एक पूरी ये बजट ट्रिप प्लान की। तो ये आप लोगों को इस सीरीज़ में
देखने को मिलेगा। मैं आशा करता हूँ मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ आप लोग पसंद करोगे। तो दोस्तों इतना ध्यान रखिए कि अगर आप घूमना चाहते हैं तो बस बेझिझक सोचिए और निकल जाइए। डरने की कोई बात नहीं है, अपनी जान को खतरे में डालने की कोई बात नहीं है। स्पेशली हाँ, आपने कुछ वीडियो शायद यूट्यूब पे भी ज़रूर देखे होंगे जो कि कहते हैं कि मैं 2,000 रुपये में या 10,000 रुपये में या 5,000 रुपये में यूरोप घूम आया। हो सकता है मे बी उन लोगों के पास कुछ कॉन्टैक्ट्स होंगे या कुछ भी होगा, या वो बहुत देर तक कहीं खड़े होंगे, किसी से लिफ्ट ली होगी कभी ऐसा। तो अपनी जान को भी रिस्क में ना डालकर जब आप एटलीस्ट यूरोप जाने के लिए 40 से 50-60 हज़ार रुपये का खर्चा कर सकते हैं, तो अपनी जान को 10,000 रुपये के लिए रिस्क में क्यों डालना, क्योंकि कुछ भी घटना कहीं भी हो सकती है। चोर लुटेरे हर जगह हैं, हर देश में हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी ने अगर किसी को कोई अच्छा लिफ्ट वाला मिल गया तो आपके साथ भी वही होगा। तो अपनी जान को किसी भी तरीके के खतरे में ना डालकर सेल्फ डिपेंडेंट होकर आप कैसे यूरोप घूम सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। तो ज़रूर दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी आने वाली सभी वीडियोस को देखें, और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन होगा वीज़ा से रिलेटेड या फिर घूमने से रिलेटेड, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और मैं आशा करता हूँ आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस पसंद आएंगे और आप लोग भी यूरोप का ट्रिप प्लान करके वहाँ घूम के अपनी पिक्चर भी मेरे साथ शेयर करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा।